हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्रिएट करेंगे इंडियन ट्रेडिशनल सिंपल मेकअप। तो इस मेकअप के लिए हम यूज़ करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में फाउंडेशन, कोई कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कोई कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। तो देखिए मेरा ये लुक जो कि एकदम ही नेचुरल दिख रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज करेंगे टोनर जो जोवियस का है, रोज टोनर है। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और फिर हम इसके बाद मॉइस्चराइजर और प्राइमर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर हम यूज़ करेंगे सीरम। प्राइमर और मॉइस्चराइजर के जगह पे हम लोग सीरम यूज़ कर लेंगे और ये बहुत ही ग्लोविंग प्राइमर है, सॉरी सीरम है, बट ऑयल स्किन के लिए उतना ख़ास नहीं है, पिंपल्स आते हैं। फिर हम यूज़ कर लेंगे लिप बाम, लिप हमारा हाइड्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर फॉर आवर आई मेकअप और अच्छे से इसे भी हम बाद में फिंगर के थ्रू लगा ले रही हूँ और फिर इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से और फिर लूज पाउडर से सेट कर लेंगे। ये देखिए देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, ये कंसीलर पैलेट है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्रायलोन का लूज पाउडर जिसे हम सेट कर लेंगे कंसीलर। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे मोर्फी पैलेट में से पीच कलर क्रीज के लिए। क्रीज के लिए कोई भी लाइट कलर यूज होता है तो हम पीच कलर पिक कर लेंगे और बहुत ही लाइट आई मेकअप करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि अच्छा कलर ना उभर कर आ जाए तब तक ब्लेंड कीजिए। उसके बाद मैं ले लूँगी थोड़ा रेड और फिर उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, बहुत लाइट रखना है हमें। उसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए। फिर मैं आईब्रो डिफाइन कर लूँगी आईब्रो डिफाइनर से जो कि ब्लैक है, वही सारे प्रोडक्ट हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ किए, एक दो बस डिफरेंस रहता है, फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब डिटेल दे दूँगी क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है मैंने। और फिर ये हमारा आईब्रो हो गया सेट, ये देखिए। फिर अब मैं यूज़ कर लूँगी मिस क्लियर का जेल आईलाइनर। जैसे भी विंग बनाना वहाँ बना सकते हैं, बहुत नेचुरली रखूँगी मैं, देखिए। और इस मेकअप में आई लैश भी यूज नहीं करने वाली हूँ, ये देखिए। यूज़ नहीं किया है मैंने आई लैश। ये देखिए काजल हम यूज़ कर लेंगे प्रो आर्ट का, चलिए। अब हम यूज़ कर लेंगे लैकमे का फाउंडेशन, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है ये, 150 या 160 में आपको आ जाएगा। और अगर आपको फाउंडेशन परचेस करना है तो आप स्टोर में जाके ही परचेस कीजिए क्योंकि शेड का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन मैंने हुडा ब्यूटी का लिया था तो मेरे शेड से दो तीन शेड लाइट आ गया, और ये लैकमे का फाउंडेशन है, बहुत ही ब्लेंडेबल है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए डॉट डॉट करके फेस पे लगा लीजिए और फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए। ज़्यादा ब्लेंडिंग करने भी नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए हो गया और फिर हम लूज पाउडर से सेट कर लेंगे फाउंडेशन को अच्छे से।
अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लूज पाउडर ज़्यादा यूज़ कीजिए और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब हम कर लेंगे कंटूर। कंटूरिंग के लिए ब्राउन कलर यूज़ करेंगे फाउंडेशन पैलेट से, सॉरी कंसीलर पैलेट से, उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए ब्लेंडिंग ही तो है सारे मेकअप में, ब्लेंडिंग के बिना कोई भी मेकअप अच्छा दिखने वाला है नहीं, तो हमें ब्लेंडिंग अच्छे से करना चाहिए। फिर अब हम यूज़ कर लेंगे ब्राउन कलर और स्मच कर लेंगे काजल को। ये देखिए थोड़ा लुक अच्छा आ जाता है, स्मोकी आईज हो जाती थोड़ी। ये देखिए ब्राउन और रेड दोनों कलर लिया है मैंने। फिर मैं ब्लश कर लूँगी, ब्लश कम हाइलाइटर स्विच ब्यूटी का, ब्रो बोन भी अपना हाईलाइट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही नेचुरल लुक दिख रहा है, थोड़ा ब्लश भी यूज कर लिया है मैंने, वो भी मैंने आई शेडो पैलेट से ब्लश यूज किया है। फिर रेड लिपस्टिक यूज़ कर लेंगे हुडा ब्यूटी का। ये देखिए अच्छे से लगा लीजिए, लिप लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसे पसंद हो वो यूज़ कर ले सकता है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज़ नहीं करती हूँ लिप लाइनर। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। अब हम वेयर कर लेंगे अपना इयररिंग। ये देखिए हेयर कॉम कर लेंगे, थोड़ा ट्राई कर लेंगे, बिंदी आपको यूज़ करना तो जी, नहीं करना तो हम स्किप कर दीजिए। और ये रहा मेरा लुक, तो कैसा है ये लुक ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और अगर आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।